जैसे ही हमारे बाल ग्रे होने शुरू हुए, एक ही चीज दिमाग में आती है, डाई करो, डाई करो, डाई करो। लेकिन ये डाई करना बालों के लिए सेफ नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे ग्रे बाल अच्छे नहीं लगते, उसका मैंने देसी तरीका निकाला, बहुत सिंपल तरीका, आप घर पे कर सकते हो। और आप ये ब्रश मत यूज करो, मतलब ये जो डाई का ब्रश है हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम यूज कर रहे हैं ये ब्रश जिसको हम लोग कहते हैं ना टूथब्रश, तो हम ये यूज करेंगे। मतलब हमारा ये जो कलर है हमारी स्कैल्प पे नहीं जाएगा, हमें इसको स्लो स्लो करना है। तो ये मैंने कलर मिक्स कर लिया है। और प्लीज हाँ, कैसे करेंगे हम लोग, देखिए आराम आराम से, आराम आराम से, जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं। इसका फायदा पता क्या होगा, स्कैल्प पे नहीं जा रहा है, देखा कितना सिंपल तरीका। क्योंकि अगर ये वाला मैं ब्रश यूज करता, ये देखिए पूरा स्कैल्प पे जाता, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है, ओनली ऊपर ऊपर। और ये अपना आप किया जा सकता है, पता है अपना आप क्या कैसे किया जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपना आप करेंगे, ऐसे अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे, ओके। तो हम इसको अपने आप कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमारे अच्छे खासे ग्रे बाल थे और बिना स्कैल्प टच किए हुए देखो आपके पूरे बाल ग्रे कवर हो चुके हैं। देखा साइड वाले बाल हमारे, जैसे पेंटिंग करते हैं हम लोग, हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं आज टूथब्रश और बालों की पेंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ स्किन टच नहीं कर रहे हैं। बिकॉज स्किन टच करने का मतलब पता क्या होता है, बाल का टूटना। स्किन टच करने का मतलब पता क्या होता है, बाल और ज्यादा ग्रे होना। तो बिल्कुल मैं अवॉइड कर दिया है सर ऊपर ऊपर की लेयर। और ये हम लोग वंस इन ए मंथ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया आज घर के अंदर टूथब्रश यूज करके कैसे हम लोग पेंटिंग या कलर करेंगे, ओके। और आज का मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, ये हम लोग रात को ड्रीम क्यों लेते हैं, अगर हमें ड्रीम लेने चाहिए दिन में लेने चाहिए। और जो जो दिन के ड्रीम होते हैं वही हमेशा कामयाब होते हैं। तो प्लीज ये रात के ड्रीम लेना बंद करते हैं, दिन में ड्रीम लेते हैं, इसका मतलब सोना बंद करते हैं, काम करेंगे। ये काम है ना, ये हमारे ड्रीम है। तो ये मेरा आज का मैसेज था, आज का मेरा मैसेज क्या था, रात के ड्रीम मत लेना। और इसको मैं कहता हूं हमारी ड्रीम की पावर क्या है, हमारे बालों की पावर क्या है, हमारी एजुकेशन की पावर क्या है, और हमारी जावेद हबीब की पावर क्या है।